everyone, welcome to my channel Vidya Coaching Classes Digital Education. So now let's start this video without wasting any more time. In this video, we will be learning Max of Standard 10, that is first chapter, Real Numbers. I will be explaining you this video in both the languages, Hindi as well as English, so students can learn easily. Now the first topic of chapter number 1 is EUCLID'S division lemma and algorithm. EUCLID'S is a name of a scientist who has given this theory. Division means divisibility and lemma means step by step we have to learn this procedure. Now let's start with a very simple example. Suppose you have given 5 boxes. आपको 5 बॉक्स दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि ये 5 बॉक्स को इक्वल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. सो नॉर्मल आप किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 2 का पैर बनेगा जो एक बॉक्स में जाएगा, दैट इज ग्रुप नंबर 1. दूसरे 2 का पैर बनेगा जो दूसरे बॉक्स में जाएगा, दैट इज ग्रुप नंबर 2. बट स्टिल लास्ट में एक अकेला बच जाता है बॉक्स जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं. आप नॉर्मल डिवीजन अगर कोई नंबर्स का करते हो, कोई इंटीजर्स का, सो लास्ट में एक अमाउंट बचती है या एक नंबर बचता है जिसको आप रिमाइंडर कहते हो. सो सेम वे ये बॉक्स एक बच गया है जिसको हम रिमाइंडर कहेंगे. इससे भी सिंपल फॉर्म में जाते हैं हम. हमको कहा गया है 24 को डिवाइड करो 5 से. ठीक है, हम नॉर्मल डिवीजन कैसे करते हैं? 24 को अंदर लिखेंगे, 5 को बाहर लिखेंगे. ओके, सो 24 डिवाइडेड बाय 5. अब हम सिंपल 5 का टेबल रिकॉल करते हैं. तो 5 वन्स आर 5, 5 टूज आर 10, 5 थ्रीज आर 15, 5 फोर्स आर 20 एंड 5 फाइव आर 25. हमें 24 से कम नंबर या 24 के इक्वल नंबर ये टेबल में ढूंढना है. बट 24 ये टेबल में है नहीं, सो उससे कम कौन सा है? ऑफ कोर्स 20. और वो कब आता है? 5 फोर ज़ा 20. सो हम यहाँ पे 5 फोर ज़ा 20 माइनस कर दीजिए 4. लास्ट में हमारा बच गया 4. सो 4 हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर. सेम वे जैसे ये बॉक्स बच गया था एक, उसी तरह से ये 4 लास्ट को हम रिमाइंडर कहा जाएंगे. ओके, अब इसे हमने कह दिया रिमाइंडर. ये हो गया हमारा रिमाइंडर. 24 हमारा हो गया डिविडेंड, 4 हमारा हो गया क्वेश्चंट, एंड जो ये 5 है वो हमारा हो गया डिवाइजर. ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन है, सिंपल डिवीजन है जो आप 7th 8th में भी पढ़ चुके होंगे और इवन लोअर स्टैंडर्ड्स में भी ये सिखाया जाता है. सो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग. अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है हमें, ये लेमा, डिवीजन लेमा का बेसिक बीच में हमें इसी को ही रख के पूरा इक्वेशन सॉल्व आउट करना है. जो ए है उसको डिविडेंड बोलते हैं. जो हमारे फॉलोइंग एग्जांपल में आप रिकॉल करें तो हमारा डिविडेंड था 24. बी है डिवाइजर जिससे हमने डिवाइड किया है, दैट इज 5. क्यू हो गया क्वेश्चंट जो हमने 5 फोर्जा किया था, तो 4 हमारा जो था वो क्वेश्चंट था. और आर इट मीन्स रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा नीचे कितना बचा था? 4. सो ये वही है, ए डिविडेंड, बी डिवाइजर, क्यू क्वेश्चन एंड आर इज रिमाइंडर. नाउ इससे आगे हम बढ़ते हैं कि अभी हमें EUCLID'S डिवीजन लेमा को सॉल्व कैसे करना है. तो नीचे देखिए, आपको एक एग्जांपल दिया है. 455 एंड 42 का हमें HCF फाइंड आउट करना है. सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, डिवाइड करना है 455 डिवाइडेड बाय 42. क्यों ऐसा करेंगे? 455 इज ग्रेटर देन 42. जो अंदर हमें डिवाइड के अंदर, दैट इज डिविडेंड को रखते हैं, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए रेदर देन डिवाइजर. सो हमें 442 का जो टेबल है उसको रिकॉल करना है.
हमें पूरा टेबल रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम लास्ट का देख लेते हैं, 42 × 10 दैट इज़ 420, 42 × 11 दैट इज़ 462, इट मीन्स 462 जो है वो 455 से बड़ा हो रहा है, तो हमें यहीं पे हमारा टेबल रिकॉल करना स्टॉप करना है, और 42 × 10 दैट इज़ 420 को हमें मान के चलना है, तो 42 × 10 दैट इज़ 420 माइनस 535 जो है वो अभी हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स रिमाइंडर दैट इज आर, ये हमारा डिवाइजर, ये हमारा क्यू दैट इज क्वेश्चन, और ये हमारा डिविडेंड, ठीक है। अब यही सेम याद रखिए और इसे ही हमें वो इक्वेशन में डालना है, कौन सा इक्वेशन, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सी 455 हमारा बचा था, 455 डिविडेंड था, 42 डिवाइजर था, मल्टीप्लाई क्यू क्या था 10 और प्लस आर 35। इक्वेशन समझ में आया, यही इक्वेशन में हमें डिवाइड करते करते नंबर्स को डालना है। अब ये हम कब तक यही सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं पहुंच जाता, हमारा अभी रिमाइंडर क्या आया था 35, इसको आगे स्टेप दूसरे कैरी फॉरवर्ड में लेके जाना है, हमारा अब नेक्स्ट होगा 42 और 35 को लेके होगा, 42 इज ग्रेटर देन 35, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 42 को 35 से डिवाइड करेंगे, ऑफ कोर्स 35 टू ज़ार 70 होता है, वो 42 से बड़ा हो जाएगा, सो 35 वन ज़ा 35 12 3 रिमाइंडर रिमेन्स 7। सेम इसको इक्वेशन में डालेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो क्या बनेगा हमारा 42 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 7। सो ये हमारा सेकेंड स्टेप का बनेगा, दिस वन 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। आगे भी कंटिन्यू करना है बिकॉज हमारा रिमाइंडर अभी तक ज़ीरो नहीं आया है, सो आगे हम 35 और 7 को बेस लेंगे, 35 इज इक्वल टू 75 ज़ा 35 प्लस 0, क्योंकि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ चुका है। यहाँ पे हमारा ये जो प्रोसीजर कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ पे स्टॉप होता है बिकॉज हमें फाइनल आंसर मिल चुका है, फाइनल रिमाइंडर ज़ीरो मिल गया। और फर्दर थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं इसको, तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे पहले हम बेसिक स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि अप्लाई करना है EUCLID'S डिवीजन लेमा को ए एंड बी, जहाँ पे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए, और ज़ीरो शुड बी लेस देन और इक्वल टू रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर शुड बी लेस देन बी, उससे कम होना चाहिए। अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो तक आ चुका है तो हमें डिवाइजर कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज ज़ीरो, द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड टू एच सी एफ, जो भी डिवाइजर ये स्टेज पे आएगा एच सी एफ पे वो हमारा एच सी एफ हो जाएगा। हम एक टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहाँ पे हमें एच सी एफ फाइंड आउट करना है 12576 और 4052। नाउ 12576 जो है वो हमारा बड़ा है 4052 से, सो वो हम बाहर लिखेंगे, इज इक्वल टू 4052। अब हमें रिकॉल करना है अगेन 4052 का टेबल, ऑफ कोर्स इतना बड़ा टेबल याद नहीं होगा, सो आप साइड पे 5 तक लिख सकते हैं, 4052 इंटू 2, 4052 इंटू 3 एंड 405 इंटू 4 या 5 तक। फिर हम कैलकुलेट कीजिए कि वो किस कौन से नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12576 से कम आ रहा है या उसके इक्वल भी आ सकता है। सो 4052 मल्टीप्लाई बाय 3 और जो रिमाइंडर बचा उसको हमें प्लस कर देना है, तो रिमाइंडर बच गया 420। स्टिल
हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तब तक हमें ये प्रोसीजर कंटिन्यू करना है। अब सेकेंड स्टेप में हम बेस किसको लेंगे, 4052 को और 420 को, ये दोनों को हमें बेस लेके चलना है। अब यहाँ पे क्या है, 4052 इज ग्रेटर देन 420, तो हमें सिंपल इक्वेशन में डाल देना है 4052 इज इक्वल टू 420, उसके बाद का कैलकुलेट करना है। अभी तक इतना समझ में आ गया कि हमें बड़े नंबर को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिख के बीच में छोटे नंबर को राइट हैंड साइड लिख देना है। अब हम किसका टेबल रिकॉल करेंगे, यस एग्जैक्टली 420 का टेबल रिकॉल करेंगे। सो 420 इंटू 9 और प्लस कर देंगे जो हमारा रिमाइंडर आया। ये आप सिंपल बार बार डिवीजन करने से अगर आप कंफर्टेबल हो तो कर सकते हो, नॉर्मल नंबर से आप डिवाइड करके या फिर आप टेबल्स रिकॉल करके कर सकते हो तो उससे भी कर सकते हो। बेस्ट इज कि आप डिवाइड करते करते करो। अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 272। स्टिल वी हैव नॉट गॉट द रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस स्टेप अगेन। सो नाउ हियर वी विल टेक द बेस ऑफ 420 एंड 272। सो 420 लेफ्ट हैंड साइड लिख दो क्योंकि 420 इज ग्रेटर देन 272। सो 420 को लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, 272 को राइट हैंड साइड लिख दो, आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू करो। 272 मल्टीप्लाई बाय 1, बिकॉज 272 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा नंबर ग्रेटर हो रहा है 420 से। सो बेटर 272 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 148 हमारा रिमाइंडर हो गया। स्टिल वी आर नॉट गेटिंग जीरो एज अ रिमाइंडर, बट यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे प्रोसीजर में हम स्टेप बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो रिमाइंडर है वो हमारे जीरो के और पास आता जा रहा है, नंबर्स कम होते जा रहे हैं। सो अगेन 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124 इज रिमाइंडर। अगेन नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज वी हैव नॉट गॉट जीरो, 148 को और 124 को बेस लेंगे। सो हमारा अगेन नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट बनेगा 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24, नंबर्स और कम होते जा रहे हैं। नाउ अब हम बेस लेंगे 124 और 24 को। सो 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4 तक पहुंच गए। अब एक और स्टेप ताकि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। सो 24 इज इक्वल टू 4। नाउ 4 का टेबल आप इजीली रिकॉल कर सकते हो, दैट 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। सो हमारा आंसर आ चुका 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 प्लस 0। यहाँ हमारा आंसर फाइनली 0 में रिमाइंडर आ गया है। ओके सो नाउ लास्ट स्टेटमेंट ऑफ आ सम इज द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0। सो आ प्रोसीजर स्टॉप्स, यहाँ पे हमारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 4, डिवाइजर हमारा मतलब जब आपका रिमाइंडर 0 है उसके ऊपर वाला स्टेप देखिए, हमारा रिमाइंडर कितना आया था 4 ऑफकोर्स, और वो वही लास्ट स्टेप में हमारा वो डिवाइजर बन चुका था 4, इसलिए हमारा एच सी एफ 1 2 5 7 6 एंड 4052 का जो डिवाइजर आया है वो है 4। सो हमारा फाइनल आंसर दैट इज़ हमारा फाइनल HCF ये दोनों नंबर का हो गया 4। सिंपल है, बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, बस आपको डिवीजन बहुत ही प्रॉपरली करना है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके स्टडीज़ में थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हुआ हो, प्लीज़ लाइक शेयर टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो वो ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर सके। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, आगे और भी ऐसे वीडियोज़ आएंगे जो आपको बहुत ही ईजी तरीके से मैथ्स के सम सॉल्व करने में मदद करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर ये भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए, हम दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे डिजिटल। थैंक यू सो मच।